पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के इर्द गिर्द विवाद भी बढ़ता जा रहा है। आलम यह हो गया कि फिलहाल मोहम्मद रिजवान को लेकर इंडिया में इंडिया वर्सेस भारत हो गया, लेकिन अब इस मामले को लेकर एक और खबर आई है जो ज्यादा बड़ी हो जाती है। और खबर यह है कि मोहम्मद रिजवान के खिलाफ आईसीसी को एक लेटर लिखा गया है एडवोकेट विनीत जिंदल की तरफ से। विनीत जिंदल वही शख्स हैं जिन्होंने जैनब अब्बास को लेकर एक लेटर किया था और दिल्ली पुलिस से उन्हें अरेस्ट करने की मांग की थी। विनीत जिंदल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि खेल की भावना को बरकरार रखने के लिए मोहम्मद रिजवान को क्रीज पर नमाज पढ़ने से रोकना चाहिए, और नमाज वाले बात को लेकर यह मामला गया है। पॉलिटिकल टर्म्स में भारत इस वक्त वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो राइट विंग आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो हिंदू आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, और जो खुलकर कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, या फिर राइट विंग से जुड़े जितने भी लोग हैं। सामनिक्रम भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों ने अतिथि देवो भावा यानी द गेस्ट इज एक्विवेलेंट टू गॉड को, जो उनका स्लोगन है, जो कहते हैं कि हम हमारे मजहब का हिस्सा है कि हम अपने मेहमान को भगवान अपने ही हिंदुओं के मुंह पर दे मारा है। क्योंकि अब एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है कि एक वकील साहब ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील हैं विनीत जिंदाल, उन्होंने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ बाकायदा अब केस दर्ज कर दिया है न्यू दिल्ली के पुलिस थाने में। साथ ही साथ उन्होंने वही लेटर की कॉपी आईसीसी को भी भेजी है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी भेजी है, जो आपके सामने भी स्क्रीन पर चल भी रहा है, जिसकी अगर आप हेडलाइंस देखें वो है कंप्लेंट अगेंस्ट मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर फॉर हिज एक्ट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट एंड वायलेशन ऑफ आईसीसी रूल्स। यानी इन्हें मोहम्मद रिजवान के सजदा करने, नमाज अदा करने पर भी अब तकलीफ हो चुकी है, और कहते ये खुद को अतिथि देवो भावा हैं। अभी सारे मामले पर भी भारत में दो तरह की सोचें सामने आ रही हैं। जिस तरह अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि सॉरी पाकिस्तान ट्रेंड करता चला रहा था।